सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर है आज हम इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4044 आईसी के बोर्ड के बारे में। तो गाइस यार, जैसे कि मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस वैसे तो बनाई हुई है और काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं कि भाई, जब भी हम 4044 आईसी में अपने स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, जो बेस का होता है उसको जब भी हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जैसे ही वॉल्यूम को इंक्रीज करा, तो इसकी जो बेस है वो यहाँ पे फटी हुई आवाज देना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि आवाज जो है फटना स्टार्ट हो जाती है स्पीकर में। आखिर उसका क्या सोल्यूशन है, और साथ ही साथ जो 4044 आईसी का बोर्ड है वो काफी ज्यादा हमिंग करता है, तो इसके बारे में भी बताओ। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको, और इजिली आप जो है समझ जाएंगे। तो गाइज, एक ही प्रोसेस से आप दोनों ही चीजों को सोल्व कर लेंगे। एक तो आपकी जो स्पीकर में आवाज फटती है उसको भी, और साथ ही साथ जो हमिंग करता है स्पीकर उसको भी। तो मेरे पास यहाँ पे काफी बड़ा स्पीकर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये रहा स्पीकर, और इसको ही मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरह से आप हमिंग बंद कर सकते हैं एक तो, और दूसरा यहाँ पे स्पीकर की आवाज को कैसे फटने से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस तरह से करना है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों चीजों को सोल्व करने के लिए हमें किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो है कैपेसिटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितनी वैल्यू का हम कैपेसिटर इसमें ले सकते हैं। तो गाइस, आपको जो है 1000 UF जो होता है, चलिए दिखाता हूं मैं एक मिनट आपको। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1000 UF, आपको इसका नहीं लेना है, आपको इससे ज्यादा का ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 UF हो गया मेरे पास, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है 4700 UF है, और तीसरा यहाँ पे मेरे पास है 2200 UF, ठीक है। तो आप जो है गाइस 1000 UF का ना लें। और काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई, आपने कैपेसिटर की वैल्यू नहीं बताई, आप बताइए कंपोनेंट की क्या वैल्यू है। तो मैंने आपको बता ही दी है, आप जो है 1000 से ऊपर से ले सकते हैं, और ज़्यादा भी ना लें, 4700 UF से ज़्यादा भी ना लें, और इससे कम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2200 UF चल जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 2200 UF ही यूज़ करने वाला हूँ, और अभी मैं आपको लाइव यही दिखाऊंगा कि आखिर इसकी जो हमिंग है वो किस तरह से बंद हो जाती है। तो चलिए मैं जो है एक बार इसको यहाँ पे पलट लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ से दिखा सकूँ कि आखिर हमिंग कितनी कर रहा है ये बोर्ड। और माइक भी मैं इसके पास ही रख देता हूँ, तो ये रहा यहाँ पे मेरा माइक, ठीक है, तो इसके ऊपर रख देता हूँ मैं इसको। तो अब मैं इसको बोर्ड को एक बार चालू करता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से, सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो है कितनी हमिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके ऊपर मैं एक बार कैपेसिटर लगा के देखता हूँ। अभी मैं किस किस पिन पे कैपेसिटर लगाने वाला हूँ वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, ओनली अभी टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं माइक को एक मिनट के यहीं रख देता हूँ, अभी आप खुद ही देख लेंगे कि आखिर इसकी आवाज़ कम हुई है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं एक मिनट। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से हमिंग कितनी कम हो गई है, और जैसे ही कैपेसिटर को हटाता हूँ मैं यहाँ से, और फिर देखना। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आवाज़ यहाँ पे बढ़ गई है। चलिए एक बार और दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पे माइक ये रहा, तो देख सकते हैं गाइस कितनी आवाज़ यहाँ पे कम हो गई है, और हटाते ही दोबारा से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, ये है हमिंग इसकी, और इससे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, माइक लगा लेता हूँ एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो कैपेसिटर है ये किस तरह से इस बोर्ड में लगाना है, चलिए अब उस प्रोसेस के जानते हैं। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कैपेसिटर यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एक मिनट के लिए स्पीकर को। बाद में जाके मैं आपको दिखा दूंगा कि आखिर किस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमिंग भी आपको समझ में आ गई है इजीली। और गाइस, वीडियो स्किप करके मत जाना अगर आपको नॉलेज पूरी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आगे भी और कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर मैंने किस पॉइंट पे कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप गाइज, जब 4044 आईसी का बोर्ड लें आप, तो आपको जो है ये इस तरह से बोर्ड मिलता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी पिन पे लगाना है, जो आपकी लास्ट नंबर की पिन होती है, एक नंबर की, और यहाँ से ये चार नंबर पिन, ठीक है। आपको ये दोनों ही ध्यान रखनी है। और गाइज, अगर आप आईसी को पलट के लगाते हैं तो आपको उसमें पिन अलग से गिननी पड़ेगी, पीछे की साइड से कितनी है इतनी है, और आगे की साइड से कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप फ्रंट साइड से जब लेंगे तो आपको जो है पीछे की साइड से जाना है एक नंबर पिन पे, और चार नंबर पिन पे आपको लगा देना है कैपेसिटर,
चलिए दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नंबर पे और यहाँ पे चार नंबर पे, जैसे लगाएंगे हमिंग बंद हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो बेस का जो स्पीकर होता है उस वो जो फटता है जब इसकी आवाज़ आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो भी फटना वहाँ से बंद हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में एक आईसी ये रही और एक आईसी का तार ये रहा, मतलब कि एक ये रहा वायर स्पीकर के, एक ये रहे क्योंकि ये डबल आईसी है तो डबल स्पीकर यहाँ पे चलते हैं, तो इसलिए आपको जो है दो ही इसमें कैपेसिटर लगाने होंगे। ठीक है, जिस तरह से भी मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा आपको, तो इस पर भी लगा के दिखाता हूँ और इसको भी लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसको। तो गाइस चलिए अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें दो जो कैपेसिटर है हमारे उनको कनेक्ट करने वाला हूँ जो कि ये रहे। गाइस इनकी जो वोल्टेज है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसमें जो माइक्रोफेराड है वो बिल्कुल इसके सेम है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 25 वोल्ट है और यहाँ पे इसकी 16 वोल्ट है, दोनों ही 2200 UF देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी 2200 ये भी 2200, पर गाइस ये दोनों ही चल जाएंगे। पर क्या होगा अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो ये पहले ही यहाँ से फट जाएगा, बेकार हो जाएगा, पर ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा 25 वोल्ट तक, जब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक ये चलता रहेगा हमारा। तो इसलिए गाइज आपको जो है ये वाला लगाना है, मैं इसको मजबूरी में लगा रहा हूँ, मेरे पास ये है नहीं है दूसरा, इसको मैं मजबूरी में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास भी हो तो आप लगा सकते हैं। आप एक पे जो है अगर आप इस पे बेस नहीं कनेक्ट करना चाहते, आप यहाँ पे ट्विटर कनेक्ट करना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ अगर आप इस पे बेस नहीं कनेक्ट करते आप दूसरी चीज़ कनेक्ट करते हैं जैसे ट्विटर हो गया या फिर कुछ और चीज़ हो गई, तो आपको जो है ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप अगर इस पे बेस लगाते हैं और इस पे ये वाला लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो है जल्दी से बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लगाता हूँ मैं इसको पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि आखिर इसका प्लस पॉइंट किस तरह से लगेगा और माइनस पॉइंट इसका किस तरह से लगेगा। तो ये है माइनस इसका और ये है इसका यहाँ से प्लस। तो अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पे कि आखिर इसमें प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा है। तो गाइज आपने अक्सर ये देखा होगा इसमें जो है इसकी जो लास्ट वाली पिन होती है, जो लास्ट की पिन होती है एक नंबर की, एक नंबर पिन जो होती है वो हमेशा ग्राउंड होती है, जो कि दोनों ही आईसी का ग्राउंड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी है और ये भी है। तो आपको जो है ये माइनस लेना है और आपकी जो चार नंबर की पिन है ये आपको प्लस लेना है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा इसमें, ठीक है, तो चलिए मैं लगा देता हूँ एक बार इसको। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको ये कनेक्ट कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं एक नंबर पे और चार नंबर पे ये इस तरह से कनेक्ट करना है। और अब आपको दूसरे वाला लेना है, ये रहा मेरा कैपेसिटर दूसरा, इसको भी मैं इस तरह से लगाऊंगा, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये है हमारा यहाँ पे ग्राउंड और दूसरा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और ये रहा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव। अभी आपको यहाँ पे जंपिंग भी करनी पड़ेगी, वो भी मैं अभी आपको आगे जाके दिखा दूंगा वो किस तरह से करनी है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि वीडियो स्किप मत करना, कि आप डायरेक्ट ही जाके और उस चीज़ को कर दें। तो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है इन दोनों को ही कैपेसिटर को यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इनको किस किस पिन पे किया है वो भी आपने देख लिया, यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा गाइज, अब आपको इसमें जो है जंपिंग करनी है, ये किस तरह से करनी है, आपको चार तार ले लेने हैं यहाँ पे, फोर वायर लेने हैं आपको, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये किस तरह से कहाँ से कनेक्ट करने हैं वो भी मैं चलिए आपको बताता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से। तो अगर मैं इसको पीछे की साइड घुमाता हूँ तो यहाँ पे आप गाइज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर से आपको जो है इसके कनेक्शन करने हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जो इसका नेगेटिव है वो कौन सा है, तो इसका नेगेटिव है ये वाला, ये है इसका नेगेटिव और ये है इसका पॉजिटिव। तो अब इसको कनेक्शन करता हूँ मैं एक मिनट, तो चलिए दिखाता हूँ मैं एक मिनट आपको ये कि किस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको जो है ये दोनों ही वायर्स लगा लेने हैं इजिली, क्योंकि आपको दोनों को ही सप्लाई देनी यहाँ पे पड़ेगी, दोनों ही कैपेसिटर को आपको सप्लाई देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इनको मैं इस तरह से यहाँ से बाइंड कर लेता हूँ और तो गाइज मैंने यहाँ पे दोनों ही वायर्स को यहाँ से इजीली कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरे वाले लेता हूँ मैं, ब्लैक वाले, इनको भी मैं इस तरह से ही यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ बाइंड करके और इनको फिर यहाँ पे इसके आगे जाके इसको कनेक्शन कर दूंगा।
तो गाइस इस तरह से मैंने जो है इनके भी वायर्स को यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर दिया है, तो इनको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो वायर्स आपके ये रहे, दो वायर्स आपके ये रहे, ठीक है। अब ये आपको किस तरह से लगाने हैं, एक यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और दूसरा इसका नेगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव और ये इसका पॉजिटिव। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर नहीं आ रहा समझ में थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं पीछे रखता हूँ थोड़ी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली दिखाई दे ये, ठीक है। और चलिए अब लगाता हूँ इसके वायर्स को भी, कनेक्ट करता हूँ जल्दी से। सो गाइस यहाँ से मैंने इनके वायर्स को जो है कनेक्ट कर दिया है, और अब आपको क्या करना है थोड़ा बता देता हूँ। अब मैं थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इनके वायर्स को कनेक्ट किया है और किस तरह से मैंने कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा पीछे का जो कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है, आपके में भी होगा ये बड़ा कैपेसिटर जो है हमारा, इस पर आपको जो इसकी प्लस वाली लेग है उसके ऊपर आपको ये रेड वाले दो वायर लगाने हैं, और जो उसकी नेगेटिव वाली वायर है उसके ऊपर दो आपको नेगेटिव वाले वायर लगाने हैं, यानी ब्लैक कलर के, ठीक है। अब ये दो जब आप लगा लेंगे तो अब आप इसके कनेक्शन कहाँ करेंगे, इसके कनेक्शन एक के तो आपको यहाँ पे इस वाले नेगेटिव पे लगाने हैं, दूसरे के आपको इस वाले नेगेटिव पे लगाने हैं। और जब ये जो पॉजिटिव के वायर हैं ये जब आप दो लगाएंगे तो आपको इस वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगाना है एक वायर, और दूसरे वाले के दूसरे वाले पे पॉजिटिव पे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लगा लेंगे तो आपके यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और सिंपल ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। तो सो गाइस यार अब देखते हैं हम इसको चेक करके। तो मैंने गाइस यहाँ साथ ही साथ इसमें जो है ब्लूटूथ की एक पैनल भी लगा दी है, और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं इसमें मैंने जो है सारी चीज़ कनेक्ट कर दी है। स्पीकर भी कनेक्ट है हमारा, यहाँ पे स्पीकर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा स्पीकर, ये भी कनेक्टेड है। और चलिए अब मैं जो है इसका जो सॉन्ग है उसको प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आखिर इसका किस तरह से साउंड रह रहा है, और साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाऊंगा कि आखिर बेस कितनी निकल रही है, और यहाँ पे स्पीकर हमारा यहाँ से फटी हुई आवाज़ दे रहा है बेस में या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको भी एक बार, साउंड को प्ले करता हूँ मैं एक बार इसमें। तो गाइस यार जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, अभी मैंने इसमें दो स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए हैं, ओनली सिंगल ही स्पीकर है जो कि बेस का स्पीकर है मेरा। और साथ ही साथ जैसे कि आपने देखा इसमें आवाज़ ना तो इसमें फट रही है, और साथ ही साथ हमारा जो स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड कर रहा है, ना ही हमिंग हो रही है इसमें अब। और साथ ही साथ हमारे ये जो है
हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। तो इसलिए गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल को ऊपर नए हैं तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके भी वहाँ पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि आखिर कौन सा अपडेट मिलने वाला है आपको। तो बस गाइज जाओ जाके फॉलो करो।